तो दोस्तों फाइनली 5 साल बाद रिवोल्ट मोटर अपना एक नया प्रोडक्ट लेकर आ गई है जिसका नाम है RV1। अब इस नई इलेक्ट्रिक बाइक में हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या पिछले RV 400 से इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं या नहीं हुए, इस प्राइस में ये बाइक ठीक रहेगी या फिर ओला इलेक्ट्रिक बाइक ले लेनी चाहिए, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो दोस्तों रिवोल्ट मोटर एक ऐसी कंपनी है जो कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रही। आज से 5 साल पहले इन्होंने अपनी बाइक को एक ऐसे समय पर लॉन्च किया था जब कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, और अब फाइनली ये अपनी RV1 नाम की एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ गए हैं। इस बाइक का लुक और डिजाइन अपनी पिछली RV 400 से काफी अलग है, जो कि राउंड शेप के आगे हेडलाइट देखने को मिलेगी आपको, सीट को थोड़ा सा चेंज किया है, लेग गार्ड अब इसमें कंपनी फिट करके देगी, बेल्ट ड्राइव की जगह पर यहाँ पर चेन ड्राइव मिलेगी और बैटरी की कैपेसिटी भी यहाँ पर चेंज कर दी है। वहीं फ्रंट टायर 90x80 का है और रियर टायर 110x80 का है। 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं जिसमें कि फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट में टेलीस्कोप फोर्क सस्पेंशन और रियर में मोनोसोक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, हालांकि इससे पहले सिंगल सस्पेंशन दिया होता था। हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर एंड नंबर प्लेट में सभी में LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा। इस बाइक की हाइट 790 mm की है, वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, जो कि नॉर्मल किसी भी बाइक को देखा जाए तो काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पर फुल्ली बॉडी इसके फाइबर की देखने को मिलेगी जिसमें की कहीं कहीं एल्युमिनियम फ्रेम का यूज किया हुआ है। बाकी ओवरऑल बाइक देखने में कहीं से भी ये इलेक्ट्रिक नहीं लगती, पेट्रोल बाइक जैसे ही लोग ये दे रही है। अब इस बाइक के परफॉर्मेंस एंड रेंज की बात की जाए तो इस बाइक में कंपनी ने 2.8 kW की मिड माउंट मोटर का इस्तेमाल किया है जो कि रियर टायर से चेन ड्राइव से कनेक्ट है। इससे पहले RV 400 में हमें बेल्ट ड्राइव देखने को मिलती थी जिसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड 75 km/h की है। वहीं इस बाइक में 2.2 kW की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो कि एक रिमूवेबल बैटरी है। इस बैटरी से इस बाइक में 100 km की IDC रेंज मिलेगी, जबकि इसकी रियल रेंज अगर मैं कहूँ तो 60 से 70 km के आसपास में आपको रियल रेंज मिल जाएगी। वहीं इसमें 3.2 kW की बैटरी पैक एक और मिल जाता है जिससे कि ये बाइक 160 km की IDC रेंज निकल कर देगी, यानी यहाँ पर आपको 125 से 30 km के आसपास में रेंज मिल जानी चाहिए। वहीं इस बैटरी को 0 to 80% सिर्फ 2 hour 15 minutes में चार्ज किया जा सकता है जो कि एक तरीके से फास्ट चार्जर है। इसके अलावा इसमें ऐप कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जिससे कि आप अपनी बाइक की लोकेशन, सर्विस, थ्रिफ्ट अलर्ट भी काफी सारी चीजें इसमें फोन से ही चेक कर पाएंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट की वारंटी 5 ईयर या फिर 75,000 km की मिल जाती है, सेम यही वारंटी आपको इसकी बैटरी में भी देखने को मिलती है। वहीं चार्जर की वारंटी 2 ईयर की है। तो यहाँ पर कंपनी ने बेसिकली बाइक तो एक ही लॉन्च की है बट बैटरी पैक की वजह से इसमें 2 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट 2.2 kW बैटरी पैक वाले मॉडल की प्राइस है 85,000 rupees, जबकि 3.2 kW बैटरी पैक वाले मॉडल की प्राइस है 1 lakh। तो ओवरऑल कंपटीशन को देखा जाए तो ओला की बाइक 75,000 rupees से स्टार्ट हो जाती है, जबकि रिवोल्ट मोटर काफी पुराना प्लेयर है इलेक्ट्रिक बाइक इंडस्ट्री में, तो इन्होंने फिर भी अपनी प्राइस को काफी अच्छा रखा है। तो अब अगर आप 1 lakh से कम कीमत में ओला का वेट कर रहे हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। रिवोल्ट मोटर ट्राई एंड टेस्टेड कंपनी है बट यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत ही बेकार है। अभी तक के जितने भी कस्टमर है वो इनकी बाइक लेने के बाद रुकते हैं, पार्ट्स जल्दी से नहीं मिलते, अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इनकी बाइक का कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपकी जो बाइक है ना वो काफी ज्यादा दिनों तक सर्विस सेंटर में ही खड़ी रहेगी, वो जल्दी से ठीक नहीं करते। बाकी आप लोगों की क्या है राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले ऐसी नई वीडियो में, तो प्लीज स्टे सेफ एंड सेफ बाय।